Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutor's Theory. Our today's topic is cognitive development, Gyan Sambandhi Vikas. So the cognitive development, in cognitive development, the first word is cognitive. पहले इसका etymological meaning जान लेते हैं, शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं. तो जो cognitive word है, वो cognition से निकला है. And cognition come from the Latin, which means to learn and to know. तो कॉग्निशन का क्या मतलब होता है, जिसमें क्या करना है, आपको किसी चीज को लर्न करना है या किसी चीज को जानना है. विच रेफर्स टू द एबिलिटी टू नोइंग और प्रोसेसिंग एक्वायरिंग नॉलेज, विच मीन्स कि आपको, आप जो भी प्रक्रिया है उसको जानो या नॉलेज को एक्वायर करने की, या नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करो. कॉग्निटिव प्रोसेसेस इंक्लूड, कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या क्या आएंगे, रिसीविंग, चीजों को रिसीव करना, मतलब क्या करना है, चीजों को प्राप्त कर लेना है. थिंकिंग, उनके बारे में सोचना. रिमेम्बरिंग, याद करना. रीजनिंग, तर्क देना. इवेल्युएटिंग, मूल्यांकन करना. तो कॉग्निटिव स्किल कौन कौन सी हैं, जिसके अंदर आप चीजों को सॉल्व करते हो, क्रिएट करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हो कॉग्निटिव, इमेजिनेशन करना, मेमोराइज करना, ये हमारी कौन सी हैं कॉग्निटिव स्किल्स. इसके कंपोनेंट की बात करूं तो नॉलेज कंपोनेंट, इट इज बेस्ड ऑन द परसेप्शन. नॉलेज कंपोनेंट किस चीज पे आधारित है, कि हमारी धारणाएं क्या क्या हैं. कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज के कंपोनेंट क्या क्या हैं, कॉन्सेप्ट को फॉर्म करना. एंड थर्ड कंपोनेंट है हमारा मेटाकॉग्निशन. कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट क्या था हमारा, नॉलेज. नॉलेज का मतलब लोग कैसे परसीव करते हैं, कैसे चीजों को ग्रास्प करते हैं, कैसे मतलब अपने पास रख लेते हैं उस नॉलेज को. कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, जिसके अंदर आप कॉन्सेप्ट के प्रोसेसेस कैसे लगाते हो. एंड थर्ड आता है हमारा मेटाकॉग्निशन. मेटाकॉग्निशन का क्या मतलब होता है, कॉग्निशन का भी कॉग्निशन, जिसके अंदर आप और भी हायर स्टडी को या हायर थिंकिंग को जानने की कोशिश करते हो. तो कॉग्निटिव क्या है, हमारा सिनोनिम की बात करूं तो ये ब्रेन्स का डेवलपमेंट है, जिसके अंदर आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज की बात की जाती है, और किस किस चीजों पे आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, आपकी मेटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, और इमोशनल ग्रोथ कैसे होती है. अब मैं बात करती हूँ इनके आस्पेक्ट्स की. सो आस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारे संज्ञान के विकासात्मक पहलू क्या क्या है. सेंसरी डेवलपमेंट, सबसे पहले हमारे सेंसेस को डेवलप करना. हमारे कौन कौन से सेंसेस, सेंसेस ऑफ साइट, सेंसेस ऑफ टच, सेंसेस ऑफ टेस्ट, सेंसेस ऑफ स्मेल एंड सेंसेस ऑफ हियरिंग, इनको करना. तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी नॉलेज इनहेंस होती है, तो वो अपने सेंसेस से ही नॉलेज को ग्रास्प करने की कोशिश करता है. जैसे छोटा बच्चा है तो सबसे ज्यादा क्या करता है, माउथ में लेके चीजों को टेस्ट करने की कोशिश करता है, टच करने की कोशिश करता है, स्क्वीजिंग, ऐसे ना दबाने की कोशिश करता है चीजों को, और फेंक देता है छोटी छोटी चीजें उठा. इसके बाद आती है मेमोरी. मेमोरी भी हमारा मेंटल प्रोसेस है, जिसके अंदर आप कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करते हो, अपनी मेमोरी में इंक्लूड करने का काम करते हो. तो मेमोरी में क्या क्या आएगा, कोडिंग, डिकोडिंग, रिकॉलिंग, रिट्राइवल करना, ये हमारे मेमोरी के कंसेप्ट आ जाएंगे. तो मेमोरी भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमारे पास तीन टाइप की मेमोरी होती है. सेंसरी मेमोरी, जो मेमोरी हमें सेंसेस से प्राप्त होती है, सेंसेस है. शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म के लिए ही सेव रहती है. अगर आपको फुल कॉन्सेप्ट मेमोरी का जानना है तो आपको साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट मेमोरी में आपको मिल जाएगी, डिटरमिनेंट्स ऑफ द लर्निंग, वहां पे आपको मिल जाएगा मेमोरी. इसके बाद आते हैं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है, जिसके अंदर आपकी जो रिटेंशन ऑफ लर्निंग है वो काफी लंबे पीरियड तक या लाइफ लॉन्ग भी रह सकती है. तो आपकी मेमोरी क्या करती है, आपको लॉजिकल रीजन कैसे प्रोवाइड करना है, डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और चीजों को रिसीव करना, परसीव करना, रिकॉल करना और अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है. इसके बाद आती है लॉजिकल एंड रीजनिंग थिंकिंग. लॉजिकल एंड रीजनिंग थिंकिंग है जिसके बाद आप क्या कर सको, लॉजिक प्रोवाइड कर सको. अगर आपने कोई भी कार्य किया है तो वो कार्य कैसे हुआ है, उसके पीछे का रीजन तर्क दे पाओ, और लॉजिक, तार्किक सोच बनाओ अपनी, कि जिससे आप फैक्ट्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो, क्या उसके पीछे प्रोसीजर है. जैसे हमारी डिडक्टिव लर्निंग होती है या इंडक्टिव लर्निंग होती है, तो ऐसे रीजनिंग आपको प्रोवाइड करनी है. और रीजनिंग हमेशा सिक्वेंशियल ही होती है. सिक्वेंशियल का मतलब आपने पहले ये कार्य करा, ये करा, देन आप नए की तरफ बढ़ते हो. नेक्स्ट स्किल है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. ये भी हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस है, जिसके अंदर आप प्रॉब्लम क्या होती है, आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें करते हो. तो अगर मैं एक प्रोसीजर की बात करूं द साइंटिफिक वे, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. दूसरा, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या. उसके लिए रिलीवेंट डाटा इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो. रिलीवेंट अल्टरनेटिव, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम उसके जो रिलीवेंट अल्टरनेटिव है उन पर बात करते हैं. पॉसिबल सॉल्यूशन, फिर उन्हें इम्प्लांट करते हो और देन अपनी इवेल्युएशन कर लेते हैं. तो क्या क्या मैंने आपको बताया, डाटा
सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। कोई आपसे कहे कि आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो, आपके पास 100 आंसर है बट आपको आपकी जो रियल प्रॉब्लम है उसका नहीं पता, तो आइडेंटिफाई करो उस प्रॉब्लम को, डिफाइन करो, उसके लिए डाटा गैदर करो, मतलब उसके क्या बैकग्राउंड ऑफ द हिस्ट्री थी उस प्रॉब्लम की, उसके बारे में जानना, और अल्टरनेटिव कि अब इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो, एंड देन वी गो फॉर द इवेल्युएशन। तो यही हमारी समस्या की पहचान है। समस्या के चरण कौन कौन से, पहचान करना, परिभाषित करना, जानकारी एकत्रित करना, विकल्पों की पहचान करना, सर्वोत्तम संभव समाधान करना, और समाधान को जो लागू है वो मूल्यांकन को लागू करना। जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, ये क्या होता है, आपको ये भी कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसके अंदर आपको कोई भी सिचुएशन मिल रही है, आपके बिलीव्स, आपके ओपिनियन है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आपको एक जजमेंट देनी है कि आप कैसे चीजों को सेलेक्ट करोगे, चूज करोगे, इन्वॉल्व होगे, और कैसे उन चीजों को इन्फेरेंस करने के बाद, चीजों का विश्लेषण करने के बाद हम कैसे जज कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी लैंग्वेज। लैंग्वेज भी हमारी क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में वो कैब हमें सेव करनी पड़ती है अपनी मेमोरी में, तो कैसे आप वो कैब को सेव करोगे, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी आपको अपनी थिंकिंग को इनहेंस करना पड़ेगा। थिंकिंग को कैसे इनहेंस कर सकते हो, आप उनकी प्रैक्टिकेबिलिटी देख के, उनकी कॉमनैलिटी देख के कि क्या चीजें कॉमन है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ग्रेजुअली आपको कॉन्टिन्यूटी की तरफ बढ़ते रहना है। यहाँ पे ग्रेजुअली का मतलब क्या है या कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसके पास वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड होती है, आफ्टर दैट उसके पास वर्ड्स जो है ऐड होते चले जाते हैं, तो ऐसे ही हमें अपनी वोकैबुलरी को भी बिल्ड करते जाना है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन प्रोसेस। इन्फॉर्मेशन में आप दो चीजें सबसे ज्यादा करते हो, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसे डिकोड कर रहे हो, या आप जब इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो तो इन्हें इनकोड कर रहे हो, मतलब आप मैसेज के रूप में कर सकते हो, किसी लैंग्वेज रूप में कर सकते हो, कोई पत्र भेज सकते हैं, कोई चैट भेज सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसेस क्या है, जिसके अंदर सबसे पहले इनपुट होते हैं आपकी सेंसरी इनपुट, बोलकर, सुनकर, देखकर, ऐसे सेंसरी को, सेंसेस को इनपुट करते हो, देन रिसीव, ये दो चीजें हम करते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं चीजों को, इलैबोरेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी कलेक्टिवली हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहलाती है, सूचना प्रसंस्करण कहलाता है। थिंकिंग, मेमोरी, इन्फॉर्मेशन, ये हमारे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी इमेजिनिटी एंड क्रिएटिविटी। इमेजिनेशन क्या होता है, जब आप बियॉन्ड रियलिटी सोचना स्टार्ट कर देते हो, जो चीजें अनरियल है उनके बारे में और उनकी पॉसिबल आउटकम को जानने के लिए जो चीजें हमारी इमेजिनेशन कहलाती है। एंड क्रिएटिविटी क्या होती है, जब आप हमने इमेजिनेशन कर रहे हो तो उन इमेजिनेशन को कैसे रियलिटी तक लाते हैं वो हमारी क्रिएटिविटी कहलाएगी। तो क्रिएटिविटी का प्रोसेसर क्या है वो भी लिख लो आप। प्रिपरेशन, सबसे पहले तैयारी करना। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन होता है एक ऐसा पीरियड जब आप चीजें स्टार्ट कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का मतलब आपके ना दिमाग में आइडिया वाला बल्ब जल गया है। देन इवेल्युएशन, ये हमारे किसके, क्रिएटिविटी के क्या है, स्टेप्स हैं। हमारी क्रिएटिविटी भी दो टाइप की होती है, कॉन्वर्जेंट, कॉन्वर्जेंट होती है, एंड डाइवर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट का मतलब आपको अलग अलग दिशाओं में सोचना है, एंड कॉन्वर्जेंट का मतलब आपको पूरी की पूरी बुद्धि क्षमता सिर्फ एक पॉइंट पे डाल देनी। देन आता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन एक हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस है। मेटा का मतलब जब भी मैं बोलूं तो कॉग्निशन का भी, कॉग्निशन संज्ञान का भी ज्ञान होना मेटाकॉग्निशन कहलाता है, जब हम चीजों को, लर्निंग प्रोसेस को बहुत डिफिकल्टी लेवल तक सोचने के लिए एबल हो जाते हैं तो हम हमारा मेटाकॉग्निशन कहलाता है। मान लो आपने कोई चीज सोची कि मुझे बल्ब बनाना है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ कि हमने कोई चीज सोची हमें बल्ब बनाना है, तो उस सोच के बारे में भी सोच रहे हो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या मैं ये पॉसिबल है, कैसे कर पाऊंगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, तो वो हमारा मेटाकॉग्निशन कहलाएगा। इसके बाद आता है हमारा कंसेप्ट फॉर्मेशन। कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या है, कंसेप्ट फॉर्मेशन है चीजों को ऑर्गेनाइज करना, मेटाकॉग्निशन तक लेके जाना। सबसे पहले मेमोराइज करो, अंडरस्टैंड करो, और कंसेप्ट फॉर्मेशन में क्या है, बच्चों की थिंकिंग ऐसी बनाओ कि बच्चे उन चीजों को सेव रख सकें। So a concept is a journal idea, an item in thinking that stand for a journal class. तो हमारे जो सामान्य वर्ग है उनके लिए ये खड़े रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन टास्क इन द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप्स की बात करूं, कॉन्सेप्ट कैसे फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपने सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है पूरे वर्ल्ड को, तो उसके अगर कुछ नॉलेज होती है तो प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरा है कंपैरिजन, अगर उसके सामने कोई भी दो चीजें हैं तो उनकी सिमिलैरिटी ढूंढेगा या डिसिमिलैरिटी या डिफरेंस ढूंढेगा। तो अगर मान लो मैंने पहले बात करी किसी चीज को लेके, तो वो हमारी पिछली चीज से कैसे रिजेंबल करती है या कैसे कॉन्ट्रेरी है, तो ये भी बात हम कर सकते हैं, कंपैरिजन, तुलना करना। इसके बाद एब्स्ट्रैक्टनेस। एब्स्ट्रैक्टनेस का मतलब आप इन सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी को देखते हुए एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लोगे, वो आपकी एब्स्ट्रैक्टनेस कहलाएगी। इसके बाद आती है जनरलाइजेशन। आपने जो भी एब्स्ट्रैक्टनेस बनाई थी आप उसे हजार बार भी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो तो वो प्रूव हो रही है, तो आप एक जनरलाइज आइडिया बना लोगे कि ये मेरी जनरलाइज स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट आती है हमारी डेफिनेशन फॉर्मेशन. अब जो आपने जो भी कॉन्सेप्ट बनाया है उसको डिफाइन कर देंगे तो वो हमारी डेफिनेशन कहलाएगी, उसका परिभाषा निर्माण हो जाएगा. नेक्स्ट इज आर स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. आप संज्ञानात्मक विकास के चरण की क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी बात करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स पहली है इन्फेंसी स्टेज पे. अब तक आपको समझ भी आ गया होगा कि हम चार चरण पे मेन बात कर रहे हैं, इन्फेंसी पे, अर्ली चाइल्डहुड पे, लेटर चाइल्डहुड पे और एडोलेसेंस पे. तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी 0 to 2 ईयर्स की क्या रहेंगी. नियोनेट्स, नियोनेट्स कौन है, जो बिल्कुल रीसेंट पैदा हुए हैं, इंटरैक्ट थ्रू रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, मतलब अपने कुछ रिफ्लेक्स एक्शन करके दिखाते हैं. जैसे अगर कुछ चुभ गया है तो रो के दिखाएंगे, भूखे हैं तो रो के दिखाएंगे. तो ये इनके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, मतलब अपने सेंसेस से चीजों को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्स करके दिखा रहे हैं. यूज देयर सेंसेस टू मोटर बिहेवियर, अपने आप के हाथ पैर चलाने के लिए सेंसेस का प्रयोग करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं टच करके, सेंस करके. पहले बच्चा ना टचिंग से ही, आपको पता होगा कि बच्चा टच करके ही अपनी मदर को पहचान जाता है. इसके बाद है इंटेंशनल एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इंटेंशनली एक चीज के पीछे भागते रहते हैं, मतलब वो अपना एक गोल उद्देश्य डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कोई चीज चाहिए तो वो उसके पीछे ही पड़े रहेंगे. एग्जिबिट रिप्रेजेंटेशनल सिंबॉलिक थॉट, यहाँ पे बच्चे सिंबल की तरह थॉट करना स्टार्ट कर देते हैं. सिंबॉलिक थॉट का मतलब गुड़िया के अंदर प्राण देखना स्टार्ट कर देंगे कि अगर इसको दर्द हो रहा है, आपने इसको मारा तो गुड़िया को भी दर्द हो रहा है. चाइल्ड स्टार्ट इनविजिबल एंड विजिबल इमिटेशन. कुछ दिखती होंगी, कुछ ना दिखती होंगी, बट बच्चे अपने पेरेंट्स को जरूर से इमिटेट करते हैं एंड अपनी ऑब्जेक्ट परमानेंस की तरफ बढ़ते हैं कि ये चीजें उसे अच्छे से पक्का याद हो गई है कि ये पेन है तो ये पेन ही है. कैरेक्टरिस्टिक्स आर अर्ली चाइल्डहुड है हमारा 2 से 6 साल का. क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स, यहाँ पे बच्चा क्यूरियस है कि नई चीजें क्या होती हैं, अपनी वोकैबुलरी बिल्ड कर रहा है, लैंग्वेज बिल्डअप हो रही है और उसके बाद उसकी ईगो सेंट्रिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बढ़ेंगी. मतलब बहुत सारी चीजों पे ना वो अपना ही हक समझता है, मेरी मम्मी तो मेरी ही मम्मी, मेरा टॉय तो मेरा ही टॉय. नेक्स्ट है इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव. अब वो अपने अपने खेलों को भी ना फैंटासाइज करता है और कुछ भी गेम खेलता रहता है. अपने छोटे छोटे बच्चों को देखे होंगे कार चला रहे हैं, बस कुछ और चीजें उसके साथ खेल रहे हैं, मतलब उन्हें कुछ भी मिल जाए वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं. सिंबल्स यूज करते हैं, लैंग्वेज हो जाती है, अब मेमोरी भी होने लगी है, उन्हें याद भी हो जाती है चीजें, बट कोई लॉजिक नहीं है, रिवर्सिबल भी नहीं है कि अगर आप ये कह दो कि आइस दोबारा से पानी बन सकती है तो वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा. कैरेक्टरिस्टिक्स एट लेटर चाइल्डहुड. अब 6 से 12 साल के बच्चा क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम. यहाँ से यहाँ तक बच्चे को अपने एरिया का पता चल जाता है, टाइम का पता चल जाता है और डिस्टेंस के बारे में नॉलेज हो जाती है. प्रॉब्लम को, डेली एक्टिविटी को सॉल्व करने लग जाता है. हॉबीज बिल्डअप होने लग जाती हैं और इंटरेस्ट बिल्डअप होने लग जाता है. बच्चा डे ड्रीमिंग भी करता है, सोशल इश्यूज के प्रति भी थोड़ा जागरूक हो जाता है एंड लॉजिकल के साथ साथ कॉन्क्रीट लर्निंग भी उसकी हो गई है. अब बात करते हैं एडोलोसेंट की. एडोलोसेंट 12 से हमारे 18 साल के बच्चे, कई जगह 12 से 20 साल के बच्चे लिखा मिलेगा, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है. थिंकिंग बिकम मल्टी डायमेंशनल. अब हर तरफ सोचने लगा है वो, इमोशनली भी वो सोच रहा है, हमारा फैक्चुअली भी चीज़ों को सोच रहा है, कॉन्क्रीटली भी सोच रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी स्टार्ट कर देगा. रिलेटिविज्म का मतलब होता है चीज़ों को रिलेट करके स्टार्ट कर रहा है. मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है ना तो हम दो चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव एंड साइंटिफिक रीजनिंग, जिसके अंदर आपको पहले एक टेंटेटिव आइडिया देना है, एक आइडिया के साथ आप रीजनिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो वो हमारी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगी. डेवलपमेंट ऑफ सेंस अबाउट सोशल ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न. अब तक बच्चे के पास सिर्फ एनवायरमेंट को लेके कंसर्न था, बच्चा सोशली भी सोच सकता है, ग्लोबली भी सोच सकता है और इकोनॉमिकली भी. सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ेगा. कैन ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स टास्क को भी अभी इजिली कर सकता है, चाहे वो कर थोड़ा पाए या ज्यादा कर पाए. फैक्टर अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं. फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर. बायोलॉजिकल फैक्टर में फर्स्ट है हमारा सेंसरी डेवलपमेंट. बायोलॉजिकल में क्या है, देखो बायोलॉजिकल हमारे शरीर से ही जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपको आपकी संवेदी हैं जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं, इनका विकास कैसे करोगे. तो यहाँ से जो बच्चा है क्या करता है, स्टीमली की तरफ ना रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है. बच्चे ने लाइट देखी उसकी तरफ रिएक्ट कर रहा है, बच्चे ने डॉग देखा तो रिएक्ट कर रहा है. तो अपने सेंसेस से जब चीजें कर रहा है वो, तो वो हमारी सेंसरी डेवलपमेंट कहलाती है. इसके बाद इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितनी होगी. जितना बच्चे का आईक्यू लेवल हाई होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतनी ही ज्यादा रहेगी. नेक्स्ट आता है हेरिडिटी. बहुत सारी ऐसी स्किल्स भी होती हैं जो उसे अपने मदर फादर से अनुवांशिकता के रूप में, जीन्स के रूप में ही मिली हुई है. तो बहुत सारा इन्फ्लुएंस है हेरिडिटी का भी, अनुवांशिकता का भी. एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर. अब एनवायरमेंट रिलेटेड भी कुछ फैक्टर हैं. सबसे पहले तो बच्चे के फ्री अच्छे कॉग्निशन के लिए उसे फ्री एंड कंडसिव एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है. फर्स्ट फैक्टर है हमारा फैमिली. फैमिली में रिलेशन कैसे हैं, न्यूट्रिशन कैसा प्रोवाइड हो रहा है, ब्रोकन फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, लेस एफर्ट है,
कैसी चीजें हैं फैमिली में, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के संज्ञान पर। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, बच्चे को कितना अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है कि बच्चा लर्निंग की तरफ बढ़ पाए। नेक्स्ट है नेबरहुड एंड सोशल एनवायरमेंट, यहाँ पे बच्चे को सोसाइटी भी इन्फ्लुएंस करती है, तो जितना अच्छा समाज है उसके समाज के क्या क्या कारक हैं, जैसे फ्रेटर्निटी है, ह्यूमैनिटी है, तो इसका भी बच्चे पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्ले, जो चाइल्ड के प्ले हैं वो भी कॉग्निशन की तरफ लेके जाते हैं। तो चाइल्ड के हमारे जो प्याजे थे, इन्होंने क्या है, प्ले इज द वर्क ऑफ चाइल्डहुड, मतलब खेल अगर बचपन है ना, बचपन का कोई काम बच्चे के पास है, जैसे छोटे बच्चे के पास तो कोई काम ही नहीं होता, तो उसका काम क्या है, प्ले करना। तो बच्चे के जैसे प्ले होंगे उससे भी बच्चे का मेटाकॉग्निशन या कॉग्निशन इनहेंस होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया है, कौन से फैक्टर हैं जिनसे हमारी कॉग्निशन हो सकती है, स्टेज वाइज मैंने आपसे डिस्कस किया है कौन कौन से कॉग्निशन के कैसे हमारा कॉग्निशन होता है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। If you are finding my videos are informative, then don't forget to like and share. So keep going and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.